खबर दिखाई तो गलत झोड़ा छोड़ सही झोला उठा लिया। ये सड़क पर दुकान लगाए थे, जैसे सब्जी बेची जाती है ना, सब्जी बेचने के लिए लगाते हैं दुकान, वैसे दुकान लगाए थे। किस चीज़ की? दवाई, इलाज कर रहे थे। एक खबर दिखाई थी 29 अगस्त को, उस खबर ने एक शख्स को बदल दिया है। अब वो शख्स अच्छा काम करने लगा है। खबर क्या है पहले वो बता देता हूँ, देख लीजिए, टू विंडो में दिखाइए भाई। 29 अगस्त को हमने खबर दिखाई थी, चट्टी पर बैठकर एक झोला छाप डॉक्टर एक्सपर्ट बन रहा था, जमीन पर बैठकर लोगों का इलाज कर रहा था, गांव मोहल्ले में घूमकर इसी तरह बैठकर दवाई सुई सब करता था। मनोज नाम के इस शख्स का काला धंधा हमने विस्तार से दिखाया था और आज देखिए कितनी अच्छी तस्वीर आई। मामले की गंभीरता समझते हुए मनोज ने खुद एक सही काम चुना। मनोज अब फर्जी जनरल प्रैक्टिशनर नहीं रहा, बल्कि मनोज अब डिलीवरी बॉय बन गया है। झोला छाप डॉक्टरी छोड़कर अब लोगों तक खाना पहुंचा रहा है, मतलब गलत झोला उठा लिया था, अब सही झोला उठा लिया। देख लीजिए मनोज कितना खुश है। ये दोनों ही तस्वीर हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक गर्ग ने भेजी है। अच्छा है जब वीडियो जर्नलिस्ट और कैमरा चलाने वाला व्यक्ति कहानी करने लगे तो समझिए कि वीडियो के साथ साथ कहानी का भी उसे सेंस है, जो मेरे लिए बहुत बढ़िया है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सुनाइए जरा मनोज क्या कह रहे हैं, सुना दीजिए। पहले क्या करते थे आप? क्या कर रहे? जनरल प्रैक्टिशनर सर। क्यों छोड़ दिया? थोड़ा रिक्शा वाला काम थी सर, बिना डिग्री के काम करोगे, लोगों के खिलवाड़ सर, मरीजों से खिलवाड़ था। अब क्या कर रहे हैं? अब तो जोमेटो सर। क्या कुछ चेंज मिल रहा है, परिवर्तन? हाँ परिवर्तन है सर, और परिवार खुश सर इसमें। अब फोन भी बार बार आएगा सर, 10 रुपए दवा दोगे, जितना टेंशन देगा सब कुछ नहीं। अभी संतुष्टि है? हाँ संतुष्टि सर। खुद भी संतुष्ट रहिए और टेंशन फ्री रहिए, बहुत खुश है मनोज, परिवार भी संतुष्ट है इस नौकरी से। ये भी बता रहे थे कि झोला छाप वाली नौकरी बहुत रिस्की थी, खिलवाड़ होता था मरीजों के साथ। बताइए एक खबर ने मनोज को कितना बदल दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज ने फैसला खुद से चिंता करके सोच समझ के लिए। जिस दिन खबर दिखाई थी उस दिन मनोज कैमरे से भाग रहे थे, बच रहे थे सच बोलने से, लेकिन आज शान से खुद को डिलीवरी बॉय बता रहे हैं। यही विस्तार न्यूज की बड़ी उपलब्धि है। चलिए आपको धन्यवाद कि आप आए, देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आए। सही गलत का पहचान कीजिए और क्या करना चाहिए इसका सही निर्णय लीजिए।